Hello guys, yay! Welcome to the first video of this brand new channel and that is Adrift Adventure. इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा गोवा का फर्स्ट डे था उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी. हम लोग पूरी फुटेज और सब कुछ एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं, अगर आप हमारे फ्रेंड हैं, फैमिली हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो हाय, हेलो, हाउ आर यू गाइस. और आई होप कि आप इस पूरे गोवा सीरीज़ को एंजॉय करें जिस तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया. और एज यू कैन सी ऑन माय फेस द ग्लो एंड द चार्म ऑफ गोवा इज स्टिल ऑन मी. और ये पूरी जर्नी हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, सो एनी फीडबैक इज वेलकम. और सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो पहले तो 2 months prior you have to book the flight to get your good seats and good deals. और hotels और कहाँ कहाँ पर आपको रहना है वो आप पहले से ही plan कर लीजिए, वही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा. So यही हम लोगों ने भी किया था, क्योंकि हम लोग गोवा क्रिसमस के टाइम जा रहे थे. हमने 2 month पहले ही हमारी फ्लाइट, हमारी होटल बुकिंग सब कुछ कर लिया था और हम लोग जस्ट वेट कर रहे थे उस 2 month का पिकअप ये टाइम भी जाएगा और हम लोग फाइनली हमारे फर्स्ट ट्रिप के लिए निकलेंगे. So our flight is on 5 a.m. in the morning and we are already at the airport because at 12 o'clock there is a curfew time, so we might have a problem finding cab and reaching here on time. So you know, we take the desi style and we arrived on airport 5 to 6 hours prior to our flight and I'm just losing my mind, like I don't know what to do right now because I'm already sleepy and yeah, we are just tired I guess. And our flight is on time as I see on the board behind my back, so yeah, there is I think this is going to be a very long night. I don't want to fall asleep because if I fall asleep I may get motion sickness on the flight. Oh my god, I am already rambling, my anxiety is to the roof. Okay, my anxiety is acting up. Okay, yeah, anyway, I'm just going to get inside so everything could be sorted out. Okay, I will update you later, I guess. Okay. After like a longest night, हमने 5 बजे फ्लाइट में बोर्ड किया. और या आप देख ही सकते हैं कि अहमदाबाद की पूरी स्काईलाइन सुबह में कितनी प्यारी लगती है. लाइक देर इज़ नो मोर ट्रैफिक बट द लाइट्स आर ऑन एंड इट इज़ फैसिनेटिंग एंड द ऑय ऑन आवर फेस वॉज एक्सक्विजिट बट दिस व्यू इज़ बेटर. सो या आफ्टर दिस वीडियो रिकॉर्डिंग आई वॉज फॉल अस्लीप इंस्टेंटली. लाइक आई वॉज सो टायर्ड, लाइक वी बोथ आर सो टायर्ड. और हम लोग लाइक सो ही गए थे, सिर्फ 1 घंटे और 40 मिनट्स की फ्लाइट भी हमने सोते हुए निकाली. एंड या इट वॉज द नैप दैट वी नीडेड.
होटल था उसका चेक इन था 2 बजे तक. सो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे, हम 8 बजे तक वहाँ पे पहुँच चुके थे गोवा एयरपोर्ट पर. और जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो आपको जो टैक्सी रहती है, जो कैब रहती है, वो वहाँ से ही बुक कर लेने चाहिए. लाइक जैसे ही आप गोवा एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑथोराइज टैक्सी स्टैंड रहता है. वहाँ पे पूरी प्राइस लिखी रहती है कि आपको अगर इस इलाके में जाना है, इस एरिया में आपको जाना है, अगर आपका होटल, आपका स्टॉप इस एरिया में है, तो वहाँ जाने के लिए उसकी प्राइस जो रहती है फिक्स रहती है. और हमको जो पेमेंट है वो ड्राइवर को कैश में देना रहता है जब वो हमको हमारे डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करता है. तो इस तरह से हमको अगर ये बात पता रहती है तो हम ज़्यादा लुट नहीं जाते हैं वहाँ जाकर. अगर आप पूरा एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते हो तो वहाँ से अगर आप रोड पर से टैक्सी करते हो तो ये रहता है कि आपको अगर ज़्यादा प्राइस बताएंगे वहाँ के लोग तो आपको वो प्राइस में जाना पड़ेगा. और इसलिए अच्छा है कि आप पहले से ही वहाँ से ही टैक्सी कर लें. हमारा जो रिसॉर्ट था वो एयरपोर्ट से 47 to 50 kilometers की दूरी पर था. तो वहाँ से टैक्सी की प्राइस 1500 rupees थी. हमने वहाँ जाकर पेमेंट किया. After getting our cab, we are finally on our way to our resort that we already booked. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो रिसॉर्ट था वो कितना खूबसूरत था, कितना ब्यूटीफुल था और कितनी शांति थी यहाँ पे सुबह की मॉर्निंग में. लाइक नो वन वॉज अराउंड एंड इट वॉज क्वाइट पीसफुल. जो हमारा रिसोर्ट था वो कैलंगुट बीच के जस्ट सामने की साइड के एरिया में था. तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है उस एरिया में, ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस है, तो प्राइस उस हिसाब से बढ़ते रहते हैं. तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही उस रिसोर्ट को उस डेट पे बुक कर लिया था, जिसके कारण मुझे लगता है कि हम को फ़ायदा हुआ था उस फ्रंट पे. और जो रिसोर्ट था वो उसका नाम था प्राइमोबॉम तेरा. और जब हम लोग पहुँचे थे तो वो रिसोर्ट लाइक पूरे दिन, हर दिन फुल रहता है. हमने उस रिसेप्शनिस्ट से पूछा था तो उसने बताया कि कोई भी रूम कभी भी खाली नहीं रहता है, लोग ऑफ सीज़न में भी यहाँ पे स्टे करते हैं. तो हम लोग वहाँ पे गए तो पूरा 2 बजे तक हमको रुकना था और हम अपने रिसोर्ट में 10 बजे पहुँचे थे. तो पूरे 3 घंटे थे हमारे पास. तो हम लोग क्या करें, पहले ही हम लोग बहुत टायर्ड थे. हम लोग ने पूरी रात एयरपोर्ट पे बिताई थी और वो अच्छी बात नहीं थी हमारे लिए. लाइक वी नीड अवर रेस्ट. सो अब पूरी रात एयरपोर्ट पर ज़्यादा बेंचेस नहीं रहते वहाँ पर, तो हमको ना नीचे बैठना पड़ा था. लेकिन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल सिटिंग लाइक ऑन द फ्लोर. और हम लोग प्लेन में सिर्फ 1 घंटे तक सोए थे. 3 घंटे हम आसपास के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे गए. हमने वहाँ पे ना नाश्ता किया, वहाँ पे हमने थोड़ा वेज खाया और फिर जो हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो चुकी थी. सो या वी डिसाइडेड टू गो टू द बीच. तो 12 बजे तक हम लोग बहुत ही परेशान हो चुके थे. सो हमने सोचा Why not we go to the beach? So कैलंगुट बीच हम लोगों की जो रिसॉर्ट थे वहाँ से बहुत ही नज़दीक था. तो हम लोग वहाँ पे गए और हमने वहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं कि यहाँ कितनी भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग हैं और सब लोग लाइक हॉलीडे क्रिसमस ही मूड में अपने आप को एंजॉय कर रहे थे. इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लाइक विंटर वॉज नॉट हेयर. एंड या ये भैया हमको ना वाटर स्पोर्ट के लिए पूछने के लिए आए थे. लाइक वी आर सो टायर्ड, जस्ट लीव अस अलोन फॉर अ मिनट. एंड या आई वॉज हंग्री एंड एंग्री, सो आई वॉज हैंग्री. और हमने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ के जो बीच सैक्स रहते हैं वहाँ पे जाके कुछ खाएं पिए, सो कुछ एनर्जी आए हम में और घूमने की इच्छा भी हो. सो हमने ये कोल्ड ड्रिंक मंगवाया था और ये टाइगर प्रॉन्स बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे.
फाइनली हमारे चेकआउट का टाइम हो चुका था और हम लोग रिसोर्ट पे वापस आ गए थे। जो हमारा रूम नंबर था, यहाँ पे देख रहे हैं कि सब हट टाइप की जो सिस्टम है वो बहुत ही लाइक इट्स वंडरफुल। और ये रिसोर्ट बहुत बड़ा था, लाइक देर आर 50 हट्स लाइक दैट। और इसका नाम है प्राइमो बॉम। और हमने ये रिसोर्ट लाइक 2 मंथ्स पहले ही बुक कर लिया था और थोड़े दिन के बाद यहाँ पे जो पूरी डेट्स थी 1 जनवरी तक फुल बता रहे थे वो लोग, वहाँ पूरा हाउस फुल हो चुका था। ऑल्सो या वी आर क्वाइट लकी ऑन दैट फ्रंट। यहाँ पे क्विक रूम टूर ले लेते हैं। सो आप लोग देख रहे हैं कि पूरा जो हट है हमारा वो लकड़ी से ही बना है, पूरा बेस ही उसका लकड़ी से बना है। सो अंदर बहुत ही गर्मी हो रही थी, चारों तरफ से जो धूप है वो वहाँ पे पड़ती है। और या इट वाज क्वाइट हॉट बट वी गॉट एसी एंड या यू कैन सी द स्पेसेस वी गॉट। Oh, it was nice ambience, everything was quiet outside. Open shower. It was difficult to take shower in that, I'm telling you. और यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे पूरा exhausted mood में। हमने शाम तक आराम किया और आप देख रहे हैं कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है कितना पीसफुल है। और फिर हम वहाँ से अंजना बीच पर गए। वहाँ पे हम हमने सोचा नहीं था कि हम यहाँ पे जाएंगे, वी जस्ट गॉट वांडर अराउंड। और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ का जो मूड था, यू गाइस इट वॉज़ वंडरफुल, इट इज़ द बेस्ट रैंडम डिसीजन दैट वी टेक दैट नाइट। यहाँ पे सभी लोग पूरे हॉलीडे रिलैक्सिंग मूड में थे और पीपल आर जस्ट टेकिंग देयर डिनर हियर आउटसाइड इन फ्रंट ऑफ सी। व्हाट मोर रोमांटिक सेटिंग यू वांट। और सी भी रात में बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ से। और वहाँ पूरा जो ठंड थी उसका एहसास तभी होता है जब रात होती है, तभी हमको लगता है कि यार विंटर का माहौल है। पूरे दिन तो बहुत ज़्यादा धूप रहती है। यहाँ पे हम लोग पहले तो हमने देखा कि कहाँ जाए, लेकिन क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन वी वॉक फॉर अ वाइल एंड देन वी सेटल वी कैंडल लाइट डिनर इन फ्रंट ऑफ सी नो लेस, लाइक व्हाट मोर कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ एट दिस पॉइंट। हमने जो डिनर ऑर्डर किया था उसमें से फर्स्ट आइटम है ये सी फूड सूप, जो कि बहुत हेल्दी हमको लगा। जो टेस्ट था उसका वो सी फूड के कारण, क्या बताऊँ मैं अब, बहुत डिलीशियस था। और हम दोनों को ये बहुत ही पसंद आया। और अब जो मेन डिश थी हमारी वो थी किंग फिश विथ फ्रेंच फ्राइज एंड सैलड एंड ड्रेसिंग एज यू कैन सी। और वाओ द फ्रेशनेस ऑफ दैट फिश, यम्मी यम्मी।
all I was going to say here. I hope you enjoy this video and I hope you will enjoy all the videos that I'm going to put out in this channel very soon, hopefully next day, who knows. Okay, so I will see you in my next video. In which we are going to talk about the second day of our trip that was so amazing, so good, and we enjoy a lot. There is a sightseeing involved and there is this beautiful beach that we enjoy our sunsets, our meal, and all the fun that we had. We are going to talk about in the next video. I will see you soon. Bye bye.